साथियों, इसी कमरे में हम बैठे थे और किसको मालूम था कि दो दो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्यों का जिन्होंने ये चुनाव किया है, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया है प्रदेश का। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि प्रदेश में जो जनादेश पब्लिक ने दिया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों चुनाव इस देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव थे। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है इस प्रदेश में, राजस्थान में, प्रगति, शांति, भाईचारा, नौजवानों के लिए अवसर, किसानों को आर्थिक संकट से मुक्ति, इन तमाम मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है। और ये तीनों राज्यों में जो परिणाम आए हैं, ये देश को संतोष देने वाले परिणाम हैं। बहुत से लोग जो आशावान थे और ऐसे लोग जो आशा खो चुके थे, दोनों में परिवर्तन आया है। लोगों को अब उम्मीद है कि 2019 के अंदर बहुत बेहतर बहुमत लेकर कांग्रेस और यूपीए केंद्र में सरकार बनाएगी। उनके मनोबल परस्त होने का मुख्य कारण यह है कि राहुल गांधी जी ने तीनों राज्यों में एक इंट्रेंच सरकार जो बीजेपी की थी, इन तीनों को बाहर किया है। और मैं राजस्थान प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया और एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार राजस्थान में हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग महामहिम गवर्नर के पास पहले ही गए थे अपना दावा पेश करने के लिए, और इन चुनावों के बाद आज जो अवसर मिला है काम करने का, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा सौभाग्य वाला है। मुझे जब भी मौका मिला, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे केंद्र के मंत्री के रूप में हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रूप में हो, चाहे भारतीय सेना के एक फौज के अफसर के रूप में हो, और आज जो मुझे राहुल जी ने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया उस रूप में हो, हर जगह देश, प्रदेश, हमारे देश के नागरिक, विकास के मुद्दे और जनसेवा की भावना से काम किया है। तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि 5 साल की जो मेहनत करी हम सब कार्यकर्ताओं ने और जनता ने, उसका बेहतर परिणाम आया है। एक अच्छी, जवाबदेही, स्पष्ट, ईमानदार, विकास की तरफ केंद्र बिंदु रखने वाली सरकार और आम लोगों का उसमें भागीदारी हो, ये संकल्प लेके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हमारा घोषणा पत्र हम तुरंत प्रभाव से पूरे तरीके से लागू करेंगे। ये मैंडेट राहुल गांधी जी ने दिया है हमको और अशोक गहलोत जी को, और ये चुनाव में जो परिणाम आए हैं, बहुत से लोग बीजेपी बोलती थी 180 सीट जीत कर आएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें मेरा और अशोक गहलोत जी का जादू पूरी तरह चल गया है और हम लोग ये सरकार बना रहे हैं। अब हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि लोकसभा चुनावों की तैयारी करें। कांग्रेस पार्टी एक सशक्त संगठन बनकर उभर रहा है तीनों राज्यों के अंदर, और राहुल जी के नेतृत्व में, तमाम सहयोगी दलों के नेतृत्व में, राजस्थान में बहुमत पाने के बावजूद भी हमने तमाम जो क्षेत्रीय दल या छोटे दल हैं उनका समर्थन प्राप्त किया है, निर्दलियों का समर्थन प्राप्त किया है। तो एक एंटी बीजेपी जो फोर्सेज हैं उन सबको एकत्रित कर राहुल जी के नेतृत्व में यूपी और कांग्रेस की सरकार बनाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी पॉलिटिकल रूप से। गवर्नेंस के रूप में हम लोग जनता की जो उम्मीद हैं उनको पूरी तरह संतुष्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।